कंडाघाट डीएवी स्कूल में 10वीं का परिणाम 100% आया, जिसके चलते स्कूल में खुशी की लहर देखी जा रही है। आज स्कूल में सूक्ष्म रूप से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन मेधावी छात्रों को बुलाया गया था जो परिणाम में अव्वल आए हैं और जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य सुमन सूद, उप प्रधानाचार्य पुनीत चंदेल, अध्यापक वर्ग से निधि भारद्वाज, अर्चना कुमारी, नीलम भारद्वाज, निशा शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की खूब हौसला अफजाई की और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। प्रधानाचार्य ने स्कूल में अव्वल आए विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थी काफी लगन और मेहनत के साथ पढ़ते थे, कभी भी उनके द्वारा स्कूल क्लास मिस नहीं की गई, यही वजह है कि वो अव्वल आए हैं, जिसके लिए वे जहां एक ओर अध्यापकों को धन्यवाद करते हैं, वहीं वे विद्यार्थियों के परिजनों का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। सुमन सूद दयानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इस वर्ष हमारे 10वीं का परिणाम 100% रहा और जिसमें 90% से ऊपर 7 बच्चे हमारे आए और 3 बच्चों ने लगभग 99% मार्क्स लिए। बहुत ही खुशी की बात है। इसमें प्रथम जो हमारी बच्ची रही है वो स्नेहा ठाकुर, द्वितीय हमारा बच्चा रहा ये प्रांजल शर्मा और तृतीय ऋषिता। तो ये तीनों बच्चों के मार्क्स जो हैं लगभग बराबर बराबर हैं और बहुत इन्होंने पिछला रिकॉर्ड हमारा बीट किया है विद्यालय का। तो इसका श्रेय मैं अध्यापकों को भी देना चाहूँगी, क्योंकि इस कोरोना काल में अध्यापकों ने बहुत मेहनत की, बहुत लगन से इनको पढ़ाया और साथ ही ये मेरी गुस्ताखी होगी कि अगर मैं अभिभावकों को इसका श्रेय नहीं दूँगी। अभिभावकों ने भी बहुत मेहनत की है, अपने बच्चों की पूरी देखरेख की, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की। तो ये ऑनलाइन जो है इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि कोई बच्चों ने और कोई कहीं एक्टिविटी नहीं करनी थी, इधर उधर नहीं जाना था, कहीं घर पर ही उन्होंने रहकर पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर लिए। इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आगे भी बहुत अच्छे नंबर लेंगे। इसके लिए हमारे अध्यापक, अभिभावक और ये बच्चे जिन्होंने कड़ी मेहनत की है वो बधाई के पात्र हैं। और मेरा ये संदेश भी रहेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कुछ बच्चे हमारे क्लासेस नहीं लगाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस ही नहीं लगाते, तो मैं उसमें उन बच्चों की गलती कम होगी, उनके अभिभावकों की गलती ज़्यादा होगी। क्योंकि अभिभावकों को चाहिए जब उन्होंने उनको फ़ोन लेके दिया है, मोबाइल लेके दिया है और उसके ऊपर पैसे खर्च किए, तो कम से कम ये भी देखें कि वो बच्चों उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे, 10% भी ध्यान देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे कक्षा अटेंड करेंगे। और मेरा ये भी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि वो अध्यापकों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ टच में रहें, कम से कम फ़ोन करके ये पता करते रहें कि हमारे बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो मेरा ये उनसे अनुरोध रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे ही उनकी संपत्ति हैं। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं तो नुकसान बच्चों का है और अभिभावकों का भी इसमें नुकसान है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अभिभावकों का की जिम्मेवारी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना काल में, तो उनको अपने बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देना होगा। और ये कह नहीं सकते कि ये कोरोना कब तक चलेगा और कब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो इस तरह से अगर सारे हमारे अभिभावक भी ध्यान देंगे तो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी को बधाई देती हूँ। सोलन टुडे का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों की आके इंटरव्यू ली। धन्यवाद। मेरा नाम स्नेहा ठाकुर है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा थी दयानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट में। मेरे HP बोर्ड की परीक्षा में 99.2% आए हैं तथा मैंने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अध्यापक गण व प्रधानाचार्य को देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है, मैं दयानंद आदर्श विद्यालय का कंडाघाट का छात्र था। मैंने इस साल की वार्षिक परीक्षा में 99% मार्क्स को प्राप्त किया है, जिसके साथ मेरी विद्यालय में द्वितीय पोजीशन है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, सभी अध्यापकों और अपने प्रधानाचार्य जी को देना चाहता हूँ।
मेरा नाम ऋषिता ठाकुर है, मैं दयानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट की छात्रा थी। मैंने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 98.7% अंक हासिल किए हैं एंड मैं अपने स्कूल में जो हूँ तृतीय स्थान प्राप्त किया है एंड इसका श्रेय जो है मेरे माता पिता अध्यापकों को और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी को जाता है।